सरोज के पास चलते हैं मेरठ और वहां से जानते हैं कि वहां पर क्या माहौल है इस वक्त। सरोज, वहां से क्या जानकारी आपके पास है, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपके इर्द गिर्द हैं, चारों तरफ हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग? देखिए, चूंकि आज मुजफ्फरनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अखिलेश यादव और जैन चौधरी को मेरठ में आना था और मेरठ के इसी होटल में उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, संयुक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है और ये कहा है कि उनके हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं दी जा रही है, उसके बाद जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मायूस हैं, चूंकि अपने नेता के इंतजार में वो घंटों से यहाँ खड़े हुए थे। जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है तो होटल के भीतर से ये तमाम नेता बाहर निकलने शुरू हो गए हैं। हमारे साथ हैं मेरठ शहर विधानसभा सीट से विधायक भी हैं और समाजवादी पार्टी के इस बार भी प्रत्याशी हैं रफीक अंसारी साहब। रफीक अंसारी साहब, क्या जानकारी मिली आपको? देखिए, यही जानकारी मिली है कि उनका हेलीकॉप्टर को उड़ने की परमिशन नहीं दे रहे हैं वो लोग, और यहाँ तमाम लोग सब इंतज़ार में हैं और सारे प्रत्याशी भी यहाँ मौजूद हैं, और इसीलिए कि हमारे महबूब लीडर यहाँ आएंगे तो निश्चित रूप से लीडर आता है पार्टी का बड़ा, तो जनता में उसका मैसेज जाता है और प्रत्याशियों को फायदा होता है, उससे निराशा महसूस हो रही है सभी प्रत्याशियों को और आम जनता को भी। क्या लग रहा है, कोई साजिश लग रही है इसके पीछे क्या? नहीं, वो तो साजिश खुली है तरीके, ये सड़कों पे घूम रहे हैं सारे नेता, इनके मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम लोग और गृह मंत्री, पूरे दिल्ली की कैबिनेट घूम रही है, सारे मुख्यमंत्री प्रदेशों घूम रहे हैं जो इनके हैं, और हमारे एक ही नेता है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्हीं परमिशन नहीं दी जा रही। एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि वो तय समय के बाद पहुंचे, इसलिए कुछ है? नहीं 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 नहीं, ये परमिशन तो परमिशन हुई, तयशुदा से क्या मतलब है, लेकिन ये साजिश है इनकी और कोशिश की जा रही है कि जितना चाहो इनको बैकफुट पर रखो और किसी ना किसी बहाने से इनको रोको आम जनता से जाने के लिए। रुक रहे हैं आप क्या? सवाल ही नहीं होता, जनता का चुनाव है ये हमारा चुनाव नहीं है, जनता का चुनाव है, जनता पूरी चाह रही है, एक तरफा सुपड़ा साफ हो रहा है हर सीट पर, देख लीजिए आप। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उत्साही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो कह रहे हैं कि जनता चुनाव करेगी। बहरहाल हम मुजफ्फरनगर चलते हैं शक्ति सिंह के पास। शक्ति, मुजफ्फरनगर उनको उड़ान भर के पहुंचना था, वहां पर कहां पहुंचना था, वहां से आगे क्या कार्यक्रम था और क्या अभी भी उनकी प्रतीक्षा की जा रही है वहां पर, दिखाइए और बताइए। देखिए, बिल्कुल यहाँ पर तमाम मीडियाकर्मी हैं, तमाम उनके नेता हैं जो सुबह से यहाँ, जब हम पहुंचे सुबह से तो सुबह 9 बजे से ही गेट पर खड़े होकर अखिलेश यादव का इंतजार कर रहे हैं, और वहीं जिस होटल में अभी इस समय मौजूद हैं जहाँ पर प्रेस वार्ता होनी थी, यहाँ पर जैन चौधरी भी सुबह से ही ठहरे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अखिलेश यादव का इंतजार सुबह से हो रहा, लेकिन अब एक ट्वीट आता, ट्वीट में ये आता है कि अखिलेश यादव का साजिशन जो हेलीकॉप्टर है उसको उड़ान नहीं भरने दी मुजफ्फरनगर के लिए। तो कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता है वो काफ़ी हताशा है और काफ़ी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी अभी यहाँ मंच से एक अनाउंसमेंट और हुआ है, हालांकि ये पुख्ता नहीं है क्योंकि इनके कार्यकर्ता ही यहाँ से कर रहे थे कि अभी अभी कहते हैं माननीय अखिलेश जी का मैसेज आया है कि उन्होंने दिल्ली से उड़ान भर दी है। अब इसमें क्या सच्चाई है ये तो अभी कुछ देर बाद पता चलेगा, क्योंकि इसका जानकारी, लेकिन